सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, 25 लेटर और बचे हैं, उन पर ट्राई करो। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखिए। आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन तो बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं। आज का पंचांग 17 मार्च 2020, दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 11:46 तक व्रज मार रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:08 से 4:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:45 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 17 मार्च 2020, दिन मंगलवार, आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ समय शुष हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपनी किसी वादे या किसी निजी संबंध के खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवाद और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरा कर पाएंगी। आप विभिन्न तरीकों से लोगों से संपर्क करेंगी, जैसे फोन कॉल, ईमेल, इंटरनेट आदि। यह समय अपने सपनों को पूरा करने का, इसलिए इस समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत हो सकती है, तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहें। आपके लिए आज के दिन कुछ असफलताओं के साथ शुरू भी हो सकता है। आपको आज थोड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता से चीजों को संभालने में सक्षम रहेंगी। काम में चिड़चिड़ाहट हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों और मन की चंचलता पर जीत की आवश्यकता होगी। शांत रहें और प्रतीक्षा करें और देखें कि संसार में आपके लिए क्या है। परेशानी के तूफान के बाद आप ठंडी हवा महसूस करेंगी। करियर के मामले में जॉब वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा है। सावधानियां, संगीत जैसे सुखद मनोरंजनों की तलाश करें। कड़ी मेहनत से आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। आपका किस्मत समान पैसा जायदाद आदि आपकी प्राथमिकता है, जिनके बारे में आप हर समय सोच रहे हैं। परिवार और प्रियजनों के बीच संपत्ति को लेकर संघर्ष या तर्क होने की संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच रहा है और लंबित पड़ी हुई शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। करियर की बात करें तो अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे लें, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहें। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएंगे। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियां खोजेंगे। सेहत की बात करें तो अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे,
लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थायी लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बेकार ना करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।